हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आदि गणेश। शिक्षण विधियों की हमारी जो कक्षा चल रही है, कल किसी कारणवश शिक्षण विधियों का वीडियो नहीं डाल पाए, तो अब से अनवरत रूप से डालेंगे। शिक्षण विधियों की कक्षा में हमने 5 शिक्षण विधियां पढ़ ली है और आज जो 6 नंबर पे विधि है हमारी, वो है निगमनात्मक विधि। ये जो भी मेट्रो आपको उपलब्ध करवाया जाता है, हो सकता है ये सारा का सारा आपके पास है, लेकिन पढ़ना एक अलग चीज होती है और सीखना और समझना अलग चीज होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ अलग तरीके से समझाया जाएगा, जिससे कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हो वो आसानी से आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। तो निगमनात्मक विधि को देखते हैं। नियमों से उदाहरणों की शिक्षा देना ही क्या है निगमनात्मक विधि या निगमन विधि है। पहले नियम बता दिया जाता है, फिर उदाहरणों के माध्यम से स्पष्टीकरण। जैसे स्वर संधि के अंदर जो दीर्घ संधि होती है, उसमें हम पहला नियम लेते हैं कि प्रथम शब्द के आखिरी अक्षर ए या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ए या आ हो, तो दोनों को मिलाने से दीर्घ आ बन जाता है। ये तो हो गया नियम। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कैसे करेंगे, ये नियम था कि ए या आ, धन ए या आ, ये जो नियम, इसको मिलाने से जो संधि शब्द बनता है वो आ बनेगा दीर्घ। जैसे हमने ले लिया ये जो विद्यालय, ये नियम आ गया हमारा। नियम के बाद में हम उदाहरण कर रहे हैं। अब इसके हम जो टुकड़े करेंगे, विद्या धन आलय, तो हमारा नियम क्या था कि प्रथम शब्द के आखिरी अक्षर में ए या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में भी ए या आ हो, तो दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, इन दोनों को आ धन आ मिलाने से यहां पर आ बन गया विद्यालय। जैसे सत्याग्रह सत्य धन आग्रह। तो ये हमने पहले नियम आया और नियम के बाद में उदाहरण के द्वारा हमने स्पष्ट किया। तो यही है निगमनात्मक विधि, नियम से उदाहरणों की शिक्षा देना। अब मत की बात करें कि विद्वानों ने क्या कहा, तो इसमें एक प्रमुख परिभाषा आती है लैंडन की, उस परिभाषा को देखिए और समझिए। निगमन विधि द्वारा शिक्षण से पहले परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है। इस निगमन विधि में लैंडन महोदय क्या बोलते हैं कि शिक्षण से पहले, पढ़ाने से पहले परिभाषा या नियम को स्पष्ट किया जाता है, उसके बाद में उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और आखिर में तथ्यों का प्रयोग करते हुए पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। अब इसको हम याद कैसे करें, मान लो ये परीक्षा आ जाए और इस परिभाषा को आप समझ लोगे सही से, तो पूरी निगमनात्मक विधि समझ लोगे। लैंडन, या यूं समझे लैंड, लैंड यानी भूमि, अंग्रेजी में भूमि को लैंड बोलते हैं। तो ये हो गई अपने भूमि यानी लैंड। अब लैंड के अंदर, भूमि के अंदर 4-5 आदमी काम करने जाते हैं, उनमें एक का आदमी जो होशियार है, काम करने जाते हैं खेत में। क्या काम होता है, वही बीज वगैरह डालना, फिर उनके निराई गुड़ाई करना। तो सबसे पहले जो होशियार आदमी, वो तीनों चार आदमियों क्या बोलता है, नियम बनाता है कि सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें, धरती में, लैंड में क्या डालेंगे, बीज डालेंगे। ये हो गए नियम, बता दें कि बीज डालेंगे, ऐसे ऐसे बीज डालना है। तो डाल दिया लैंड के अंदर, बीज डाल दिया, बीज डालने के नियम वगैरह स्पष्ट कर दिया, सबको समझा दिया। और फिर उसके बाद में वो जो होशियार आदमी, वो उनको क्या होता है, अर्थ की व्याख्या। बीज डालने के बाद में आपको क्या क्या करना है, किस किस मात्रा में, कब कब पानी पिलाना है, पानी देना है भूमि लैंड में, तो उसके अर्थ की व्याख्या कर दी, उस नियमों की व्याख्या कर दी। और आखिर में जब पौध उग गई, फसल उग गई, जो खरपतवार आ गई, तो सारी की सारी जो बातें थी उनका खुद प्रयोग करके बताता है ऐसे ऐसे आपको इसकी निराई गुड़ाई करनी है, खरपतवार को हटाना है। और आखिर में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है। जब वो खुद वो प्रयोग करके बताता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो सारे के सारे क्या आखिर में क्या है, समझ जाते हैं। तो लैंड के अंदर हम बीज डालते हैं, यानी कि नियम और परिभाषा स्पष्ट करते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है आपको। और फिर वो खुद जो वहां से आदमी प्रयोग करके उन्हें बताता है कि ऐसे करो आप, जिससे फसल नष्ट नहीं हो, खरपतवार ही कटे केवल, और आखिर में इस तरीके से सारे के सारे समझ जाते हैं। तो लैंड में नियम या परिभाषा, व्याख्या और तथ्यों का प्रयोग, यही है निगमनात्मक विधि।
अब इसके जो पद कहें, चाहे चरण कहें, चाहे सोपान कहें, निगमन विधि के, वो देखते हैं। पहला है इसका चरण पद या सोपान, नियम या सिद्धांत का ज्ञान। सबसे पहले नियम के बारे में जानकारी दी जाती है कि ये नियम है, तो नियम का ज्ञान हो गया। फिर दूसरा इसका चरण है नियम या सिद्धांत का प्रयोग। ज्ञान देने के बाद में उसका अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। पहले ज्ञान, फिर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से प्रयोग किया गया। फिर नियम या सिद्धांत का परीक्षण, फिर परीक्षण किया जाता है कि ये जो हमने उदाहरण लिए हैं इनका कैसे कैसे क्या होगा, नियम के अनुसार परीक्षण किया जाता है कि सही है कि नहीं, परीक्षण हो गया। और नियम या सिद्धांत का चौथा चरण है सत्यापन, अगर वो सही पाया जाता है तो आखिर में देखा जाता है अन्य उदाहरणों के द्वारा मिलाकर कि हाँ ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये हो गया सत्यापन। तो इसके चार सिद्धांत है, नियम या सिद्धांत का ज्ञान, नियम या सिद्धांत का प्रयोग, नियम या सिद्धांत का परीक्षण और आखिर में सत्यापन। आपने सुना होगा जीपीएस सिस्टम होता है फोन में, अब यहाँ पर वहां पर तो जीपीएस सिस्टम होता है एंड्रॉइड में, यहाँ पर हम कर देंगे जीपीएस सिस्टम को एक पी और जोड़ देंगे, जीपीपीएस। ज्ञान का हो गया आपके जी, प्रयोग का हो गया पी, परीक्षण का हो गया पी और सत्यापन का हो गया एस, जीपीपीएस। निगमन विधि के चरण या सोपान हो गया जीपीपीएस, वहां जीपीएस सिस्टम, यहाँ पे जीपीपीएस सिस्टम लगा देंगे। ये तो हो गए सात चरण पद या सोपान। अब इसके जो सिद्धांत है, ज्यादातर परीक्षाओं के अंदर चरण या पद पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत है इसके वो पूछे जाते हैं निगमन विधि में भी और आगमन विधि में भी, अगली में हम पढ़ेंगे आगमन, तो वो देखते हैं। पहला जो इसका सिद्धांत है, नियम से उदाहरणों की ओर, नियम से उदाहरणों की ओर, जैसे सबसे पहले हमने किया, पहले नियम आते हैं इसके अंदर और बाद में उदाहरण। निगमन प्रारंभ हो रही है तो नीच से प्रारंभ हो रहा है इसका, निगमनात्मक विधि का जो परिभाषा है, तो नी यानी नियम, तो सबसे पहले नियम आएंगे इसमें और बाद में उदाहरण। दूसरा अज्ञात से ज्ञात, नियम बता दिया तो हमें अज्ञात, अभी केवल नियम बताया है, अब हमें आगे पता नहीं क्या करना है, तो बाद में बता, अज्ञात है पहले और बाद में हम ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे इसमें होगा। अमूर्त से मूर्त, अमूर्त रूप में नियम बताया, फिर हम बाद में जब उसके टुकड़े करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे, मूर्त रूप में हमारे सामने छवि एक आकार हो जाएगी, हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो अमूर्त से मूर्त की ओर। सामान्य से विशिष्ट, नियम बताया जाता है आपको लगता है हाँ ये ए या आ हो गया, ई धन ई हो गया, बस सामान्य, लेकिन जब उनका प्रयोग में लाते हैं उदाहरणों के माध्यम से, तब आपके सामने एक विशिष्ट उसका अर्थ सामने आता है कि पहले तो यार छोटा सा लग रहा था पर नियम के अंदर, अब पता चला इसके अंदर ये होता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म नियम छोटा सा होता है और जब उसके विस्तृत की ओर जाते हैं, व्यापक अर्थ में हम जाते हैं, तो स्थूल रूप में आता है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण तो दे दिया साहब ये होके ऐसे हो जाता है, लेकिन हम कैसे माने उस प्रमाण को, आप तो हमें प्रत्यक्ष बताओ साहब, तो उसका जो स्पष्टीकरण होता है सही तरीके से व्याख्यान रूप में, तो वो हो जाएगा आपके प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, ये सिद्धांत। अब एक सिद्धांत कठिन से सरल, पहले तो परिभाषा नियम बता, नियम या परिभाषा बताई जाती है तो आपको बहुत कठिन लगता है यार ये तो समझ के बाहर अपने, पर धीरे धीरे जब उसका स्पष्टीकरण किया जाता है तो आपको सरल लगने लग जाता है। यहाँ पर ये देखते अरे यार ये तो आ या या आ ही मिलके या हो गए यहाँ पर, तो ये सरल की ओर फिर बढ़ जाता है। तो ये है अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, प्रमाण से प्रत्यक्ष और कठिन से सरल। अब इसके जो लक्षण है, लक्षणों में कमियां और जो इसके गुण है दोनों शामिल है, ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये व्याकरण शिक्षण की विधि है, निगमनात्मक व्याकरण शिक्षण की विधि है। समय व श्रम इसमें कम लगता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, समस्याओं के हल में गति, आपके सामने नियम के रूप नियम दे दिया और आपके सामने एक समस्या आ गई, अब क्या करें इसका, तो समस्याओं के हल में गति, फिर आपको उसके टुकड़े करके बताए जाते हैं, तो भविष्य में कोई और कोई समस्या आ जाए, कोई नियम दिया उसके टुकड़े करके आपको स्पष्टीकरण किया जाता है, तो समस्याओं के हल में गति, आपके कोई समस्या आया आ गई तो आप इस विधि के द्वारा उस समस्या को टुकड़ों में करके, कि पहले इतना काम करेंगे फिर इतना काम करेंगे, तो उस समस्या को टुकड़ों में बांट के आप उसको हल कर सकते हो, इसका अर्थ ये है।
उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी यानी कि छोटी कक्षाओं में अनुपयोगी, ये ध्यान रखें, उच्च कक्षाओं उपयोगी है तो छोटी कक्षाओं में अनुपयोगी। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा, रटा मारने का सिस्टम है इसमें, ये नियम ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके, तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अमनोवैज्ञानिक विधि ध्यान रखें, निगमन जो विधि है अमनोवैज्ञानिक विधि है और ये छोटी कक्षा हेतु अनुपयोगी जो हमने देख लिया। तो ये तो हो गई दोस्तों निगमन विधि, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। आगे कक्षा में आगमन विधि, और आपको हमारी कक्षाएं पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को चैनल के बारे में बताएं और जोड़ें, लाइक और कमेंट किया करें ताकि आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो वो भी हमें पता चलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में अगली शिक्षण विधि के साथ।